अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। कल होने वाले भारत बंद को 10 ट्रेड यूनियन का समर्थन। किसानों ने कहा 3 बजे तक होगा चक्का जाम। मंच पर नहीं चाहते किसी पार्टी का नेता। कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। आंदोलन चलता रहा तो उससे निपटेंगे। निजी निवेश खेती में आने से रास्ते खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। बोले किसानों की जमीन न बिकेगी न बंधक होगी। कृषि कानून पर सामने आया विपक्ष का दोहरा चरित्र। सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्र पर किसानों को जेल में डालने का लगाया। लखनऊ में हिरासत में लिए गए अखिलेश यादव को पुलिस ने किया रिहा। किसान यात्रा के लिए कन्नौज जा रहे थे अखिलेश। बोले कृषि कानून वापस ले सरकार। राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे अवार्ड लौटाओ मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोका। किसानों के समर्थन में वापस करने जा रहे थे अवार्ड। आगरा को मिला मेट्रो का तोहफा। पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। बोले मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। कल उत्तर बंगाल में बीजेपी ने बुलाया 12 घंटे का बंद। दिल्ली से पकड़े गए 5 आतंकियों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की फिराक में थे आतंकी। आईएसआई के इशारों पर हो रही थी साजिश। ड्रग्स हथियार और कैश बरामद। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।